गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। और आज की डेट है 18th of August एंड डे है थर्सडे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज। देख लीजिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली न्यूज व्लॉग के कंटेंट मिलते रहे। यस, तो यहाँ पे जो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके जो परिवार के लोग हैं, अनिल शास्त्री जी, उन्होंने बोला है कि नेताजी की तरह, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की तरह, शास्त्री जी की मौत की फाइलें भी अनक्लासिफाइड हो, डिक्लासिफाई हो और पब्लिक के सामने आए, जैसे उनकी जो मौत की राज है वो सामने आ सके और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसमें जो CIA का एंगल है, अमेरिका का एंगल है, वो भी सामने आ सके। बिल्कुल, और ये ऐसा होना भी चाहिए। जैसे US में भी 30 साल के बाद हर फाइलें डिक्लासिफाई कर दी जाती है, तो हमारे यहाँ भी इतना कर देना चाहिए। तो एक पोल खुली है यहाँ पर, तहरीके तालिबान की शर्तों के आगे झुकी पाकिस्तानी सेना। पाक सेना और आतंकी संगठन के बीचों में समझौता हुआ था और ये समझौता लीक हो गया है लोगों का। सो पाक सीमा में 60% फौज हटाने पर सहमति बन गई है, मतलब अब तालिबानी आराम से पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे। हाँ, तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म फैलता है वो तहरीके तालिबान ही फैलाता है। बहुत बढ़िया, खुद के उसमें फंस जाते हैं। सो क्रिकेट खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। अगले 4 साल में 777 यानी 777 मैच होंगे, मौजूदा शेड्यूल से 83 ज्यादा होंगे। तो इन पर ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया, तो पैसा भी इनका बढ़ गया है और नए नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और आज से इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज चालू होने वाली है, और उसमें एक जो हिस्ट्री ट्रिविया ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 12 साल और 12 मैच से नहीं हारा है भारत। वाह, उम्मीद करते हैं ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। सो कल जो एक न्यूज आई थी जिसमें पता चला था कि कश्मीरी पंडितों पर लगातार हमला हो रहा है, फिर आगे की फर्दर न्यूज ये आई है कि लगातार आतंकी दहशत होने के बावजूद भी खौफ में है परिवार, लेकिन अपनी जन्मभूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते कश्मीरी पंडित। राइट। तो यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री से बोलना चाहूँगा कि आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग यू नो गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर स्टेट, इंटायर कंट्री, कि आप इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, बिकॉज जब वो लोग इतनी आबादी से लगे पड़े हैं तो आपको भी ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल। सो भाजपा कहीं ना कहीं हार से बौखलाई हुई है, ऐसा लग रहा है। भोपाल में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उससे काफ़ी बौखलाहट है। चुनाव में हार के जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई करेगी भाजपा। प्रदेश संगठन ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी। राइट। सो इट शोज कि कहीं ना कहीं भाजपा को झटका तो लगा है। देखो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। सही बात है। सो कारम डैम के बाद अब एक दानमढ़ी डैम है, उसमें भी रिसाव चालू हो गया है। बेतवा नदी में है ये, अब यहाँ पे भी लोगों को परेशानी होना चालू हो गई है। और लोगों को वहाँ पे 1500 लोगों को वहाँ पे राहत शिविरों में भेज दिया गया है इस चक्कर में। हाँ, बेसिकली क्या हुआ है कि भोपाल में लगातार बारिश हुई है, तो जो भोपाल के जो भदभदा और कलियासोत डैम है उनके दरवाजे लगातार खोले गए, तो बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। और कहीं ना कहीं ये डैम भी अगर लीकेज कर रहा है तो भगवान करे ऐसा कुछ कारम डैम जैसा वहाँ ना हो, बट अगर होता है तो गवर्नमेंट को पहले से यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। राइट। सो अब भोपाल की न्यूज में हम लोग आते हैं। तो 100 करोड़ से हुआ था शहर की सड़कों का निर्माण कार्य और उनका इलाज, फिर भी गड्ढे, और अब मिट्टी से कर रहे हैं मरहम, मतलब लीपा पोती चल रही है। तो बेसिकली भोपाल न्यूज में आपको आजकल ये बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही वो दिखाई सुनाई जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। वहीं पर 2 दिन में लगभग 6.5 इंच बारिश हुई है भोपाल में, लेकिन नगर निगम के कंट्रोल रूम में सिर्फ 6 कंप्लेंट दर्ज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लेन दर्ज ही नहीं हो रही है। वेरी गुड, थैंक्स टू गवर्नमेंट, मतलब नगर निगम, थैंक्स टू नगर निगम, क्योंकि ये लोग तैयार ही नहीं है बारिश के लिए। मालती राय जी, नगर निगम अब आपके अंदर है, कृपया करके कुछ करें। बिल्कुल, और अगर आप में से किसी की पहचान है मालती राय जी से तो उनको बताइए कि भैया हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो भोपाल के आसपास की खबर ये है कि 2-3 दिन राहत मिलेगी, अब पानी नहीं गिरेगा 2-3 दिन लगातार, फिर उसके बाद फिर गिरेगा पानी और सितंबर में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। ओके, सो मतलब बारिश। सो एक तरह जो कारम डैम फूटा था उसकी एक रस्म अदायगी की गई है सिंपली तरीके से।
305 करोड़ के कारम डैम की जांच मात्र 10 मिनट में हो गई। अब आप, हम लोग स्पीचलेस हैं, व्हाट टू से। 10,000 लोग प्रभावित हुए इस डैम के फूटने से और अभी भी गवर्नमेंट मात्र 10 मिनट में परीक्षण कर रहे हैं वहां के लोग। शेम ऑन गवर्नमेंट। सो बंगाल से एक न्यूज़ ये आ रही है कि बंगाल में 1,000 करोड़ रुपए में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, विराजेंगे भगवान कृष्ण और इस जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये मंदिर बनता है तो टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट अब और होगा। राइट। सो कल ट्विटर पे घमासान छिड़ गया, जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोल दिया कि जो रोहिंग्या से रेफ्यूजीज आए हैं उनको मकान मिलेगा, और जो अमित शाह की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। सो आपस में मंत्री, जो मंत्री हैं उनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो शिवराज केजरीवाल सही बोलता है, यहाँ के भाजपा के मंत्रियों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इधर मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी कल्चर बंद कर देंगे और वहीं योगी जी कुछ फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स। राइट। सो लेट्स कम टू द फाइनल न्यूज। और भाजपा की जो संसदीय बोर्ड है वहाँ से शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जी को निकाल दिया गया है, वहाँ को उनको हटा दिया गया है और नए चेहरे येदुरप्पा को और जाटिया जी को है उनको शामिल किया गया है। सो समझ में आ रहा है कि अब पावर पॉलिटिक्स कहाँ शिफ्ट हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं इसका भी समझ में आता है। और नितिन गडकरी जी ने भी जो एक दो बयान दिए थे कि इस समय पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है और हर चीज़ में पॉलिटिक्स करना अच्छा नहीं है। सो बीजेपी सॉर्ट ऑफ एक मैसेज दे रही है अपने ही लोगों में कि सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है बीजेपी दोस्तों, ऐसी कांग्रेस है, ऐसी सब सारी सरकारें हैं, सब सरकार अपने अपने तरफ से काम करती रहती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी सरकार के भरोसे मत बैठिए, आप अपना काम खुद करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहला काम तय करिए ताकि आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।